भागलपुर से हवाई सेवा शुरू होने की बात फिर से छलावाने के। दरअसल लगातार हवाई सेवा की मांग के बाद उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भागलपुर के सांसद मिले थे, जिसके बाद राइप एयरलाइंस की टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम ने 23 अप्रैल को हवाई अड्डा मैदान और बाउंड्री का सर्वे नहीं कर सिर्फ रनवे का सर्वे किया था। रनवे की लंबाई चौड़ाई ठीक नहीं होने की बात कर 3 मई को ट्रायल कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन राइप एयरलाइन की टीम ने अब बताया है कि टेक्निकल और सुरक्षा कारणों से फिलहाल ट्रायल के लिए परमिशन नहीं मिला है। विगत 23 अप्रैल को हमने विजिट किया था भागलपुर एयरपोर्ट, और वहाँ हमें संभावना लगी कि हम लोग यहाँ से जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन और हमने कोशिश भी की थी। हमने कहा था कि अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं और हमें सारे परमिशंस मिलते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि 3 तारीख से हम यहाँ से ट्रायल करें, लेकिन हमने परमिशन में डाला था। यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियाँ हैं कुछ, और कुछ टेक्निकल भी कमियाँ हैं, जिसके कारण जो हमने परमिशन डाला था वो हमें 3 तारीख का परमिशन अब तक नहीं मिल पाया है, और अभी हमारा परमिशन अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हमें परमिशन मिलता है तो परमिशन के बाद हम माननीय सांसद भागलपुर अजय कुमार मंडल जी को सूचित करेंगे कि हमें इस तारीख का परमिशन मिला है, और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रायल करें। फिलहाल हम लोग 3 तारीख को जो डेट था वो ट्रायल हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे समक्ष सुरक्षा कारण है और कुछ टेक्निकल कारण है, तो परमिशन ऑन होल्ड है और आफ्टर परमिशन हम लोग इसको शुरू करेंगे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा इस फैसले से काफी नाराज है। उन्होंने इस मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कैसे हो सकता है, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, बाउंड्री टूटा है, यहाँ से ट्रायल हो ही नहीं सकता। ऐसा ट्रायल कैसे हो सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है सब? न तो बाउंड्री वॉल टूटे हुए वो बने हैं, और किसी हवाई सेवा शुरू करने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आप कभी हवाई सेवा चढ़े होंगे तो गेट पर आपका बोर्डिंग पास टिकट चेक करेगा, आप फिर अंदर जाओगे, फिर आपके वहाँ बुकिंग काउंटर पे जाओगे, फिर आप बोर्डिंग पास लोगे, फिर आप उसके लगेज को स्कैन में डालोगे, फिर सिक्योरिटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है हवाई सेवा के, पहले वो बना ही नहीं है। कौन बोला कि आपको ट्रायल होगा? ट्रायल तभी होगा जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने का कारगर कदम है। आपको कैसे सूचना मिली हम नहीं जाएंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या लगता है सर, इस एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मांग है और आपकी आप भी लगातार आवाज़ उठाते रहे, क्या लगता है? नहीं, मैं तो सदन में भी उठाया हूँ बात, लेकिन अभी तक वो लोग तैयार नहीं हुए हैं। सदन में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चालू करना है और माननीय मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, वो उद्यान मंत्री जो नागरिक उद्यान मंत्री हैं, अब सिंधिया जी, मैं बहुत उनके आदर करता हूँ, उनको मैंने पत्र लिखा तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 बार बिडिंग हो गई, कोई टर्नओवर नहीं किया। मैं तो ये तो बहुत छोटा सेवा, हवाई सेवा शुरू करने के लिए मैंने आग्रह किया, लेकिन मेरा मेन आग्रह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे गौराडी में गौशाले की 500 एकड़ ज़मीन है उसमें से ले लीजिए, या आप सड़क एक्वायर करने के लिए ज़मीन तो लेते ही हैं, दूसरी ज़मीन एक्वायर करके खोलिए। यह तो एक टेम्प्रोरी है इसको चालू करने, लेकिन चालू तभी होगा जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएगी। हम तो वहाँ कोई काम ही नहीं लगाए, तो ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल सिर्फ करा के जनता को धोखा देने की जरूरत नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। बता दें कि जिले से हवाई सेवा शुरू हो इसके लिए महीनों से लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बाद कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन फिर से वो उम्मीदें धुंधली हो गई है। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।